अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? आज की हमारी इन्फॉर्मेशन टर्नालिन टैबलेट के बारे में होगी और ये टैबलेट 2 mg और 4 mg में दस्तयाब होती है। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और जानेंगे कि कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। टेनेज़ाडीन इस टैबलेट की कंपोजिशन है और इस टैबलेट का जेनेरिक काम मसल स्पैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी व्यूअर्स इंसानी जिस्म में पट्ठों में अकराव और दर्द के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंपनी इसको तैयार करती है वो नोवार्टिस कंपनी है। डिटेल में जाने से पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मज़ीद तफसील से जानते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टैबलेट हर किस्म के मसल्स में दर्द के लिए बहुत ही यूज़फुल है और इसके अलावा ये टैबलेट पट्ठों के खिंचाव के लिए इस्तेमाल होती है। और जब पट्ठों में खिंचाव पैदा होता है तो पट्ठे दर्द करते हैं, तो उस दर्द को और खिंचाव को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा ये टैबलेट उस केमिकल के घर को ख़त्म करती है जो मसल्स में दर्द का बायस बनती है। इस तरह मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और दर्द ख़त्म हो जाता है। और ये टैबलेट कमर के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा ये गर्दन के दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और गर्दन के अकराव को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस टैबलेट को स्पाइनल कॉर्ड के ज़ख़म में भी डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। और अगर आप मसल्स के दर्द के लिए बहुत सी पेन किलर इस्तेमाल करते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता तो ये टैबलेट उन हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये टैबलेट डायरेक्ट हमारे दिमाग पर अमल करती है और दिमाग से खारिज होने वाले दर्द के नर्व एम्प्यूल्स को ब्लॉक करती है। इसी तरह मसल्स रिलैक्स करवा कर आपको ठीक करती है। तो ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और आप जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। 30 साल से कम उम्र लोग 2 mg की टैबलेट दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद, और 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 4 mg यानी 4 mg की टैबलेट दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद। तो ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से। ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, कब्ज़ का होना हो सकता है, जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है, सर का चकराना हो सकता है और इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है। तो ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और आप जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी वो लोग जो ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमला खवातीन इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लीवर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो लोग इस टैबलेट की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इसी के साथ हमारी आज की इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।